कालका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम मीटिंग कालका रेलवे रोड पर कृष्णा कैफे में की गई। इस मौके पर यहां हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव मनवीर कौर गिल ने कालका कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद कांग्रेस महासचिव मनवीर कौर गिल ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में बीजेपी सरकार कालका हलके में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने में नाकाम रही है, जबकि गलियां, सड़कें और नालियां बनवाना सरपंच का काम होता है। एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो बीजेपी लेकर आई उसके बारे में बात, देखो गलियां नालियां बनाना ये तो पहले भी बनती रही है, आगे भी बनती रहेंगी, ये पंचों सरपंचों का काम होता है। अगर कोई गली या नाली बता के बता देना कि हमने बीजेपी सरकार ने ये बना दिया, तो ये सरकार का काम कोई नहीं होता। कांग्रेस पार्टी की महासचिव मनवीर कौर गिल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी राज में HMT फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया है, जबकि सूरजपुर की ACC सीमेंट फैक्ट्री भी बंद करवाने में बीजेपी पार्टी की अहम भूमिका रही है। युवाओं को रोजगार देने में भी बीजेपी पार्टी नाकाम रही है, जबकि HMT में सेब मंडी खुलवाने का कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, ये आरोप कांग्रेस महासचिव मनवीर कौर गिल ने लगाए। HMT फैक्ट्री इन्होंने बंद कर दी, सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री इन्होंने बंद कर दी, रोजगार के नाम पर इन्होंने बच्चों से धोखा किया है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके 2 लाख भी प्रदेश में नौकरियां नहीं लगी। आप बताओ कौन सा वादा बीजेपी ने पूरा किया है? जहां HMT इतना बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है वहां सेब मंडी लगा दी। हमारे यहाँ किसके सेब के बगान है जो अब सेब मंडी में वहां जाकर बेचे जाएंगे? कांग्रेस महासचिव मनवीर कौर गिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सैनिकों की शहादत का फायदा रैलियां करके उठा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव मनवीर कौर गिल ने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हुए, उनको हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगाते हैं, लेकिन चुनाव का समय में रैलियां वो कर रही हैं। अभी चुनाव का समय भी नहीं आया, अभी आचार संहिता भी नहीं लगी है। मोदी जी ने कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने रैलियां नहीं की और सैनिकों की शहादत का वो फायदा उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे पर कांग्रेस महासचिव मनवीर कौर गिल के नेतृत्व में राजीव रंजन अपने समर्थकों सहित कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी में शामिल होने पर राजीव रंजन का मुंह मीठा करवाया गया और पार्टी का झंडा पहनाकर उनको सम्मानित किया गया। महिला दिवस पर जो हमारे लिए गर्व का दिन होता है, बिहार से आए हैं भाई साहब राजीव रंजन जी, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। कांग्रेस पार्टी जो 138 साल पुरानी पार्टी है, हमारे पास कुछ नेतृत्व है, मजबूत संगठन है, आज हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं। इनके साथ हजारों के तादाद में कार्यकर्ता 2-3 दिन में और ज्वाइन करेंगे, तो आज महिला दिवस के साथ साथ आज हमारे लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिवस बन गया है। ये आने वाला समय तो कांग्रेस का है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी का हर झूठ, बीजेपी का हर झूठ साफ लोगों के बीच में आ चुका है। अब दिन थोड़े रह गए हैं चुनाव के बाद, पहले लोकसभा विधानसभा इकट्ठे करते हैं, वो भी आज पता लग जाएगा। वैसे लगता है कि लोकसभा विधानसभा इकट्ठा नहीं करवाएंगे, ये और समय चाहिए इनको, पिछला समय इनके लिए कम रहा है, तो देखते हैं शायद कोई विकास कार्य करवा दे मुख्यमंत्री इनके और हमारे यहाँ से विधायक, हमें उम्मीद तो नहीं है।